हरियाणा के करनाल में पानीपत के नजदीक घरौंडा रेलवे स्टेशन के पास शताब्दी एक्सप्रेस में सवार पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन पर हमला हुआ। वो शताब्दी में जिस कोच और सीट पर बैठे थे उस पर अचानक से पत्थर लगा। मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस के ट्रांजिट रिमांड के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई को लेकर पंजाब का पक्ष रखने के लिए रतन दिल्ली आए हुए थे। हालांकि पत्थर ट्रेन की खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर नहीं आ पाया, जिससे अनमोल रतन को कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना की सूचना के बाद आरपीएफ और जीआरपी में हड़कंप मच गया। पानीपत और करनाल दोनों स्टेशन से पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन मौके पर कुछ नहीं मिला। पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सुप्रीम कोर्ट में पंजाब की तरफ से मूसेवाला मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका और लॉरेंस के ट्रांजिट रिमांड के खिलाफ दायर याचिका पर हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट साढ़े केस से सारी लीगल टीम गई हुई सी, उतों हम वापस ट्रेन से असं आ रहे थे तो पानीपत के कोल सत अठ जी ज्यादा पैल्टिंग हुई है या कोई पैलेट्स है, वो सारा पुलिस तहकीकात कर रही है। मैं इमीजिएटली साढ़े डी जी पी साहब ने भी इनफॉर्म करता से, उन्होंने इमीजिएट सारा एक्शन लिया, सारी इनवैसटिगेटिंग टीम इनू इनवैसटिगेट कर रही है कि ये सच है या झूठ है। सानू ये बारे कुछ नहीं पता, स्टाफ की लीगल ड्यूटी करते करन गए थे तो करते रहो। 12 mm का शीशा जिवें टुटिया, जिन्ना पटाका पिया तो इट्स क्वाइट सीरियस। हाँ जी, बाकी लेट्स सी की लगता है थोड़े ते परसनली किया गया जा वैसे नहीं, कुछ नहीं कह सकते किसी। सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे स्टाफ की गाड़ी में पत्थर गया, तो तुरंत मैंने जो अपने एजी हैं उनसे बात भी की थी जी, मतलब यात्री के तौर पे। पहले मैं नहीं जान रहा ये एजी हैं, मगर सर कैसे क्या हुआ उन्होंने बताया, तो उस प्रॉपर स्टेशन का नाम तो नहीं बताया, कुछ ऐसी चीज़ लागे आगे लगी जिससे मेरा कांच टूट गया और बारिश हिस्सा क्रैक हुआ, चोट भी किसी को नहीं आई। मतलब पत्थर लगा, एक दो इंच पत्थर तो लगा सर जी। हाँ, वो ये बच्चों की शरारत भी हुई हो सकती है या कुछ और भी, मतलब कुछ और नहीं कह सकते, बच्चों की शरारत हो सकती है, किसी शरारती तत्व में फेंक सकते थे।